back for the कोलकाता नाइट राइडर्स वो सनराइज हैदराबाद एट एडन गार्डन कोलकाता और भाई साहब ये जो मैच खेला जाएगा आज काफ़ी कन्फ्यूजनिंग मैच है फैंटेसी क्रिकेट के प्लेयर्स के लिए आई थिंक uh, कोई कितना भी कोशिश है टीम बनाने का उसका मन करेगा इसको रखता हूँ इसको हटाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने वाली है स्पेशली स्मॉल लीग प्लेयर्स को टेंशन लेने की बात नहीं हम आ गए हम सारी समस्याएं दूर कर देंगे फिलहाल हमने अपनी दाढ़ी दूर कर दी है थोड़ा बहुत हो तो सकता है लुंडियापा लग रहा हूँ लेकिन भाई माफ़ कर देना यार दाढ़ी थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा था मुझे तो मैं दाढ़ी मैंने हटवा दिया कितने लोगों को सही लग रहा है कितने लोग को नहीं बताओ जरा कमेंट करके बताओ तुरंत तुरंत कि क्या लग रहा है आप लोग को देखते हैं दाढ़ी के बिना दाढ़ी के कैसा लग रहा हूँ भाई क्या लौकी फुसैन को डुओ में सेलेक्ट करूँ क्या उमरान मलिकान मलिक भाई भुवनेश्वर के ऑपोजिट बताओ भुवनेश्वर से अगर आपको फाइट करनी है भुवने अगर अगर हैदराबाद सेकेंड इनिंग बॉलिंग करा रही है तो फिर आप फगुसैन और उमराम मलिक दोनों दोनों के साथ जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आ... बट फर्स्ट इनिंग में अगर भुवनेश्वर बॉलिंग करा रहा है तो मेरे ख्याल से भुवनेश्वर के साथ ही जाओ ठीक है डो में ब्रुक आज भी नहीं चलेगा मुझे लग रहा है अरे वो ओपन कराएं तो गाढ़ फाड़ देगा आज तो वो ओपन कराएं आज पहलेगा वो यार बाल थोड़ा नहीं बन रहे हैं बाकी सब ठीक है जब बाल बन जाते हैं ना तो लगता है अरे भैं चो तो अब बढ़िया है आज का मैच कौन जीतेगा आज का मैच भाग में जाए टीम हमें पता है हम जीतेंगे बात खत्म वैसे हैदराबाद के, के चांस में मुझे ज्यादा लग रहे हैं केके आर पे मैंने जो मेरा मतलब प्रडिक्शन है ये है केके आर में रसल अगर नहीं कवर लाने चला तो फिर बहुत मुश्किल जीतना बाकी टेलीग्राम से लोगों को बुलाते हैं आप लोग भी जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन करो और दस लाख इकतीस हजार लोग ज्वाइन कर चुके हैं आप भी ज्वाइन करिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम का नहीं तो फिर आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम ऐप पर अनुराग द्विवेदी आपको हमारा चैनल दिख जाएगा ब्लूटिक लगाया अनुराग द्विवेदी नाम से दस लाख इकतीस हज़ार से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं ठीक है क्या डाउन लग रहे हो भाई मस्त एक सेकेंड माल लग रहा हूँ गंदे शब्दों में तो नहीं बोल रहा टीडीएस के बारे में बताओ अभी मूड नहीं है जिसमें एक्सपर्ट राय या फेक जिसमी मतलब टीम न्यूज देख लो भाई लिटन दास का बोल सकता हूँ लेकिन लिटन दास को खिलाएंगे नहीं जेसन रॉय को खिला सकते हैं बहुत टीम्स आर कमिंग आफ्टर विन दोनों टीम भाई जीत के आ रही अपने मैच तो फिर मेरे ख्याल से ज़्यादा उनको उनको चेंज करने का जरूरत है नहीं ठीक है और भाई गबरू लग रहे हो प्यार तन कर दे गु मैंने दिल बिच मार लिए गांड आ पिच रिपोर्ट भाई साहब द पिच एट इडन गार्डन इज अ गुड बैटिंग सरफेस विद स्मॉल बाउंड्रीज बोला ना स्मॉल छोटी बाउंड्रीज है बैटिंग लिए बहुत अच्छी पिच है और पिछले 19 मैच का अगर आप एवरेज स्कोर देखो तो एक का है तो ये भी चीजें हैं और घास भी होती है बाबा गुड नाइट सो खोली है ताकि होश में आऊँ तो अभी मालूम है क्या था नींद मेरे आ रही थी बहुत ज्यादा तो मैंने क्या किया मैं जाकर दो ओवर दो क्रिकेट खेल लिया ऑफिस में बस नींद चली गई फिर उसके बाद एक काम करता हूँ तुम लोग दो मिनट को मैं टेलीग्राम से लोगों को बुलाई लेता हूँ ज्यादा लोग आते मजा आता है ओके okay, कहीं और जाने की जरूरत नहीं मेरी जान दाढ़ी वाड़ी चली गई बड़ा अजीब चेहरा लग रहा है यार कोई बात नहीं दो चार दिन अजीब रहेगा फिर यूस्टू हो जाएंगे इसी चेहरे को आप मोहब्बत करोगे आओ फटाफट फटा लाइव आ चुका है लिंक ऊपर दे दिया मेरी जान जल्दी आओ तो थोड़ा सा लेट हो गया साढ़े साढ़े छः पर लाइव आया हूँ लेकिन हाँ आ गया हूँ अभी अभी फ़िलहाल फटाफट आके आप ज्वाइन करो आ, और साथ में मौज काटो जल्दी आओ अभी कम से कम पंद्रह हज़ार हाँ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं आप लोग भी सब लोग आ जाओगे तो कम से कम चालीस पचास हजार लोग हो जाएंगे फिर हम लोग बातें करेंगे गहरी गहरी बातें एकदम ठीक है चार चार पीने के बाद जब गहरी होती है ना से उतना ही उतनी ही गहरी बातें करेंगे मैच की चाहे वो ग्रैंड लीग के प्लेयर्स हों चाहे वो स्मॉल लीग के हों कॉम्बिनेशन क्या रहेगा कैसे खेलना लीग खेलना नहीं खेलना सब चीजों के बारे में आ जाओ यार कोई पता नहीं मुझे आ रहा था मैंने मैं होट काट लिया सूझा ना होगी मुझे कौन आ रहा था कौन हारा मेरी टीम से दो दिन पहले पहले कोई हारा होगा आज जल्दी लाइव आओ मेरी जान तूने मुझको पागल है किया गान मार दिया तेरे बगैर तू मान मेरी जान मैं मान चो दूँगा मैं उसको अपनी गाड़ी में बैठा के फेंकूँगा तू मान मेरी जान ब्रदर आप विजन इलेवन पर क्यों टीम बनाते हो ब्रदर विजन इलेवन पर टीम इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं हाई इन्वेस्टर हूँ मैं ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो वहाँ पर खेलने से मेरा पैसा बहुत ज़्यादा बचता है सेव हो जाता है कमीशन वो लोग बहुत कम लेते हैं ठीक है ब्रदर ओके ब्रदर और प्लस जो लोगों के पास पैसे नहीं है वो लोग भी विजन इलेवन पर रोज खेल सकते हैं क्योंकि उन क्योंकि वहां पर गे रोज गियो वे रोज मिलता है फ्री में आपको और साथ ही में पाँच सौ रुपये का बोनस भी मिलता है तो अगर बढ़ाता सीढ़ी अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया विजन इलेवन तो तुरंत जाइए डाउनलोड करिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में है रेफर कोड अनुराग डालना ओके उसके भाई मैच फिक्सिंग वाली बात सच है क्या कौन सी बात भाई अरे यार ये सब मैच फिक्सिंग के बारे में मत मत बात क्या कर रहा है ये लो ऊपर बंदा पूछ रहा है भाई शादी कब फिक्स कर रहा है ये सब आते हैं कुछ कर ये करो मैच फिक्सिंग की बात अनुराग भाई कहाँ से हो भाई मैं लखनऊ से आ, आप यहाँ आए किस लिए टीम बनानी है इसलिए लड़की होते तो कसम से प्रपोज मार देता भाई लव यू ब्रो हाँ। लव यू टू धर्मांशु शर्मा और तुम लड़की होते ना पक्का मैं रिजेक्ट कर देता लॉन्ड इसलिए थैंक यू ब्रो प्रडिक्शन बताना ब्रो बताता हूँ भाई क्या अभी कितने लोग आ गए ओके कमिंग कमिंग आप लोग सवाल पूछो प्लेयर से रिलेटेड बॉडी बनाओ खा, खा, इत, कहा लेकर जाओगे अरे भाई क्यों क्या करना बॉडी बना बॉडी बना लो तो पैसा बना लो टाइम ही नहीं मिलता आ, भाई रिंकू सिंह को ऊपर भेजेंगे क्या बैटिंग पे बढ़िया खेलता नहीं, नहीं 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 ये मत सोचो ये मत सोचो ये सोचना पाप होगा मेरे गधे कभी तू भी एक हसीन का बाप होगा मत सोचो ये सब वो आएगा तो नीचे ही आएगा मेरे ख्याल से आ, आ, और रसल को प्रमोट किया ही जाएगा वो रसल को अगर लग गई है मतलब पार्टनरशिप लग गई तो मेरे ख्याल से रसल को प्रमोट किया जाएगा बट यस अच्छा प्लेयर है नो डाउट और बैटिंग आई जाएगी तो आपको बीस बॉल भी अगर खेल गया ना पंद्रह बीस बॉल अच्छा खासे पॉइंट दे देगा भाई आप बहुत बेरहम हो अरे क्या हो गया बाबू भाई लखनऊ में कहाँ रहते हो हाँ अभी बताता हूं पूरा एड्रेस आना फिर भाई आप पहले रेडबुल पियो ओके कैप्टन किसे करें देखो नारायण को सब लोग कर रहे हैं ठीक है पहली बात नारायण को सब लोग कर रहे हैं और राहुल त्रिपाठी के साथ भी लोग जा रहे हैं राहुल त्रिपाठी के नंबर्स अच्छे हैं नो डाउट और एक नाइनटी थ्री नाइनटी वन नाइनटी तिरानवे इक्यानवे रन की पारी भी खेल चुका है ठीक है केके आर के सामने इसी ग्राउंड पे ठीक है नंबर्स अच्छे हैं पुरानी टीम है उसके सामने खेलने में मज़ा आता है ग्राउंड का एक्सपीरियंस है ठीक है ऑल ऑफ की गुड मगर अगर हम बात करें सुनील नारायण की तो भाई साहब सुनील सुनील नारायण ने जो विकेट्स लिए है ना इनके सामने हैदराबाद के सामने वो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए बहुत ही कम विकेट है एक बार दिखाया जाए स्टैट स्क्रीन पर अभी देखो इक्कीस मैच खेला है इनके सामने हैदराबाद के सामने और इक्कीस मैच में पंद्रह ही विकेट हैं ठीक है और इसमें भी एक चीज़ मैं तो आपको दिखाता हूँ इसमें भी एक चीज़ है जो कि बहुत आ, वो है आप ये देखो कि जो है सबसे खराब जो स्ट्राइक रेट है सुनील नारायण की वो हैदराबाद के सामने बारह मैच में तीन विकेट हैं फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हुए तो फर्स्ट इनिंग में अगर कि यार बॉलिंग कर रही तो आप समझ लो कि भाई विकेट्स मिलने के चांस बहुत कम है फर्स्ट इनिंग में विकेट बहुत ही कम मिलते हैं नारायण को हैदराबाद के सामने हाँ सेकेंड इनिंग में नॉम मैच में बारह विकेट है ठीक है ओ, ओ। हाँ यार बस दो तीन मिनट में निकल जाएगी पूरी नींद बक तभी करते हैं यार थोड़ा क्योंकि क्या करें हम भी इतना मेहनत करने वाले लोग हैं हो जाता है और और एक और चीज़ भुवनेश्वर कुमार के बारे में पढ़े हुआ डेढ़ सौवा मैच है ठीक है वो भुवनेश्वर कुमार के जो जो सबसे ज़्यादा विकेट अगर किसी टीम के सामने लिए हैं तो वो क्यार है ठीक है हाँ ये है कि बॉलिंग फर्स्ट करते हुए इस बंदे ने ज़्यादा विकेट लिए हैं इसमें ग्यारह मैच में इक्कीस विकेट लिए हैं बॉलिंग फर्स्ट करते हुए और अगर बॉलिंग सेकेंड करते हुए बंदे ने चौदह मैच में नौ विकेट ही लिए हैं तो ये बॉलिंग फर्स्ट में अच्छा है और सुनील नारायण बॉलिंग फर्स्ट में ख़राब है तो मैं कहता हूँ कि भाई अगर मान लो कि क्या अगर पहले बॉलिंग कर रही तो सुनील नारायण को कैप्टन मत करो एडन माक्रम को कैप्टन ट्राई करो ना एडन माक्रम को क्योंकि एडन मक्रम अगर भाई पिच हल्की सी भी स्लो डाउन होती है या फिर वहाँ पर टर्न मिलता है तो एडन माक्रम हंड्रेड परसेंट बता रहा हूँ मैं कि वो भाई बॉल डालेगा और आज सुंदर भी डालेगा वो भी डाल देगा किसी किसी की ओवर वैसे हो सकता है पेशन में कट जाए अगर अच्छा खासा टर्न मिलता है तो ठीक है और वैसे भाई अभी एक रन मार के आ रहा है रिसेंटली काफ़ी मतलब अच्छे फॉर्म में है लास्ट मैच में भी मैच फिनिश करके गया था तो अच्छे फॉर्म में अच्छा प्लेयर है नो डाउट तो आप बिल्कुल अपनी टीम में रखो ट्राई करो और कैप मैं तो कैप्टन करूँगा स्मॉल लीग में आ, उससे ज़्यादा सेफ कुछ लग नहीं रहा है ठीक है रसेल को कैप्टन करें वाइस बनाए वाइस कैप्टन आज ग्रैंड लीग की टीम भी दे दो भाई मैं वादा करता हूँ एक ग्रैंड लीग की टीम आपके सामने भी बनाऊँगा मेरा वादा है ठीक है बाकी रही बात रसेल की तो भाई रसेल को कैप्टन में सीधा मत करो यार पहली बात तो बैटिंग से वो फॉर्म में नहीं है वो फॉर्म उतनी है नहीं ठीक है दूसरी चीज़ ये है कि आ, बॉलिंग कर नहीं रहा है हालांकि बॉलिंग के लिए फिट फिट है अगर फील्डिंग करता है तो डाइव मारता है उलट फुलट कैच पकड़ने के लिए जाएगा सब ठीक है फिट है एकदम तो प्रॉपर फिट है मगर बॉलिंग इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ रही है जैसे ही नीतीश राणा को लगा कि रसेल की ज़रूरत है उसको बॉलिंग दे देंगे तो ये चीज़ हो जाएगी ठीक है तो ये चीज़ आप पूछो आ, ड्रीम इलेवन की टीम दे दो ना एक मिनट अभी अभी देता हूं मैं आपको ग्रैंडली की टीम में ब, बना क्यों करता इंग्लिश में बोलो अरे भगो घूसो जब हिंदी जानते हो तो हिंदी में सुनो ना जबरदस्ती छुरी कहा चला रहे हमारे ऊपर फंटू पट पटवा फंटू पटवा दे यार मतलब भाई आप मेगा लीग खेलने के लिए मना करते हो आपकी प्रोडिक्शन दो हजार मेंबर तक लीग खेल सकते हैं अरे भाई जो माना है वो लीग खेलो यार वो तो किस्मत पर है बट आसान जो है, जो है मेगा लीग जीतना आसान थोड़ी ना है खेलना तुमको जो माना है वो वो, वो तुम खेलो कोई दिक्कत थोड़ी ना है मुझे क्या दिक्कत है दो करोड़ जीत जाओगे तो वैसे भी तुम दो करोड़ में एक करोड़ तुमको देने ही वाले हो और क्या वाशिंगटन सुंदर पूरा ओवर करेगा क्या भाई इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं मुझे तो लग रहा है करेगा और करना चाहिए बट अगर नहीं भी करेगा तो यार उसकी बैटिंग आएगी वो बैटिंग से आपको अच्छा खासा बैकअप अच्छा दे, दे देगा भाई तुरंत बैकअप अच्छा इसको गांध फटरी बहुत ज्यादा वो रिमोट रखा बंद करो ए सी कहा जाएंगे वरना क्लासन क्या करेगा आप ग्रैंड लीग में जिस टीम में आप टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ड्रॉप कर रहे हो उनके है, हैदराबाद के उस टीम में क्लासन को जरूर रखना क्योंकि क्योंकि मिडल ओवर में मिडल ऑर्डर में फिर वही इनिंग्स को बिल्ड करेगा और स्पिन काफी अच्छी खेलता है और 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 क्या शाहुल ठाकुर को प्रमोट करेंगे नहीं भाई और शाहुल ठाकुर की बैटिंग से उम्मीद मत करना एक मैच जिता दिया एक मैच पेल दिए रन हर मैच थोड़े ना फेल देंगे तो शाहुल ठाकुर को बॉलिंग के उससे रहना ठीक है अरे मुरमैया एक बंदा तीन हज़ार रुपये के सुपर चैट किया तरक एक पहले ये देख पढ़ते हैं इनको तरक्की मुबारक हो भाई लेकिन तुम लाइव बकचोदी और ज्ञान मिस करेंगे और आज के मैच में स्मॉल लीग खेले या ग्रैंड लीग कि बस शाम की एक और विकेट आती तो अठारह करोड़ वाली ग्रैंड लीग फर्स्ट तो आया हाया कल अठारह करोड़ मिस कर दिए कन्वर गिल भाई चलो कोई बात नहीं आज जीते ना बाकी ग्रैंड ग्रैंडली खेलना स्मॉल लीग भाई बट टॉस हो जाने दो अगर मैं आपके सामने हूँ अगर मुझे लगेगा ठीक है कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है तो मैं बना दूंगा टीम फिर तो बोलूँगा थोड़ा बहुत स्मॉल लीग खेल लो तो खेल लेना बाकी ग्रैंड लीग जरूर खेल लो जो मैंने प्रडिक्शन दिए मुझे लग रहा है बहुत खतरनाक जाने वाले हैं ट्रस्ट में यू कैन प्ले ग्रैंड लीग और बाकी रही बात है मिस करने की तो यार देखो वहाँ पर जियो सिनेमा पर जब मैं लाइव रहूँगा तो वो बखचौदी नहीं कर सकते वो एक अलग मतलब दुनिया है फिर तो ये स्टूडियो है स्टूडियो के बाहर आज सुरेश रैना पार्थिव पटेल अनिल कुंबले आरपी सिंह जहीर खान ठीक है उवैसा रॉबिन थप्पा रॉबिन थप्पा से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है तो अब ये सब लोग वहाँ पर बैठे होंगे ठीक है तो वो लोग भी यार बात करते हैं अवता अनुराग आज क्या होने वाला है क्या होने वाला है तो भाई एक अलग वो वहाँ का वो वह एटमोस्फेयर थोड़ा अलग है तो वहाँ पर उनके शर्ट पर बखचौदी तो नहीं कर पाएंगे बट यस ज्ञान आपको वहाँ भी देंगे हंड्रेड परसेंट ज्ञान देंगे और रही बात वहाँ पर एक सेगमेंट नहीं था प्रेडिक्शन का तो मैंने बोला भाई सेगमेंट ऐड करना पड़ेगा ना मेरी जनता तो नहीं आ रही मैंने कहा मेरी जनता तभी देखेगी जब मैं प्रेडिक्शन दूंगा तो मैंने बोल दिया मैंने कहा प्रेडिक्शन तो दूंगा मैं तो आऊँगा और शायद कुछ ऐसा कुछ नया कॉन्सेप्ट भी बना रहा हूँ कि मतलब ठग लाइफ वाला ऐसा कुछ बन रहा है तो करेंगे थोड़ा बहुत बकचोदी वहाँ पर भी होगी मगर हेल्दी वे में होगी यहाँ तो गांड फाड़ होती है अब तो अपनी तो अपनी घर की खेती है यूट्यूब वूट्यूब तो अपने ही चैनल है वो अपना नहीं है ना तो लेकिन हाँ एक नया एक्सपीरियंस रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा और आई थिंक तुम लोगों को भी अच्छा लगेगा मुझे वहाँ पर देख के क्योंकि राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग आर पीपल इन दिवलाइजेशन जो मुझे सपोर्ट करते आए हैं अंग्रेजी देखा वहाँ का नाम लो अंग्रेजी निकलने लगती है तो ये सपोर्ट करते आए लोग बस तो वही चीज़ है ये लोग भाई अरे भाई साहब बड़ा आदमी आ गया मिस्टर पप्पेगा कल भाई साहब ने चार हज़ार चार सौ कुछ रुपए की सुपर चैट कर दी आज तीन हज़ार पे कर दी भाई मैं कहता हूँ आप मुझे ना पर्सनल क्रिकेट एनालिस्ट हायर कर लो पेगासिज भाई इतना पैसा आपके पास है सुबह शाम आपके लिए काम करूंगा वॉट डू यू थिंक अबाउट वाशिंगटन सुंदर एडन एम मकरम एंड इमरान मलिक विल विलियनसन स्कोर रन अगेंस्ट के क्या सी फर्स्ट ऑफ ऑल वाशिंगटन सुंदर कैन गिव यू बैटिंग बैकअप ही इज एब्सोल्यूटली अ फंटास पिक जरूर रखना ही कैन बी यू ट्रम्प आई टॉक अबाउट एडम मकरम इज अ मस्ट पिक प्लेयर टूडे ही विल स्कोर रन And if the pitch slows down or it gives a little bit turn, Adam Akram can bowl fewer overs as well. Umran Malik, he will get a lot of support from this pitch, and uh, I think at Eden Garden, at Eden uh, what we see is uh, we see you know good bounce for the pacers. So he will uh, you know he will use his uh, short balls. He he will uh, use his pace, and I think he can uh, easily take two or three wickets. I'm talking about Umran uh, Umran Malik. Then if I talk, if i talk about Jansen Marco Jansen don't expect runs from him but yeah you can expect few wickets uh, okay like he is a left armor and uh, you know he can do something well but uh, don't expect lot of runs okay i don't uh, you know consider him as a batsman i consider him only uh, like you know as only a bowler so you can go with him but and i think he will be a good pick for you if he is bowling in second innings, because because he uh, is not bowling in death, at death. So uh, if Hyderabad is bowling in second seconding, you, you can uh, pick. I think he will be a safe pick. But if the pitch report says that spinners will, uh, okay, uh, that uh, there is nothing about spinners in the, in this game, then he will be a good player. Otherwise, Vashista Sundara, you can go with him. ah funny water, brother, brother. चौहान चौहान अनिरुद्ध सिंह ओके अनुराग भाई आप विन करते हो पर मैं अभी तक दस लाख लॉस हो गया हूँ तुम्हारी क्लीनशिप टीम में भी लॉस हो रहा है आप बोलते हो वैसा ही खेलता हूँ अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो अगर आप दो तीन मेंबर चार नंबर लीग खेलते हो जिस तरीके से बोलता हूँ वैसे इन्वेस्ट करते हो तब भी अगर आप हार रहे हो और जिस दिन मैं क्लीनशिप करता हूँ उस दिन भी अगर आप हारते हो तो भाई एक काम कर लो मैं आप हमारे लखनऊ आओ आई के बाद आपको मंदिर लेके चलते हैं दर्शन कराते हैं ठीक है पंडित तो हम है ही तो इक्यावन हजार रुपये हमको दान कर देना और मैं आपको दर्शन कराता हूँ नहीं मजाक से हट के यार थोड़ा ब्रेक ले लो अगर इतना है लॉस में हो ज़्यादा सीरियस खेलने की जरूरत नहीं भाई ये भी एक वो है आ, ठीक है ये मतलब ज़्यादा सीरियस मत लो लॉस और प्रॉफिट ये सब पार्ट है गेम का तो ज़्यादा सीरियस मत लो इसको यार ठीक है मैं इंस्टा पे स्टोरी मेंशन किया रिप्लाई नहीं दिया भाई करो करो, करो देंगे देंगे मेरी जान भाई हिंदी में बोलो हाँ अरे हिंदी में भी समझा देते हैं मक्रम बैटिंग बॉलिंग उन्नीस पॉइंट दे सकता है मार्को एनसन को वो मत समझो बै, बै, बैट्समैन मत समझो बॉलर ही समझो बस और और कौन था उसमें इमरान मलिक को अच्छा खासा बाउंस मिलेगा पिच पे शॉर्ट बॉल डालेगा अपनी पेस यूज करेगा अच्छा कर सकता है और उसके बाद और कौन था वाशिंगटन सुंदर बैटिंग वो बॉलिंग से पूरे वो करने के चांस हैं आज और साथ में आज वो बैटिंग से भी बैकअप देगा तो अच्छी पिक है ठीक है तुम लोग तुम लोग एक पिल्ले के बारे में पूछ ही नहीं रहे यार पता नहीं क्या हो गया है भाई लाइव चल रहा है हाँ फिर ठीक है हमारे में क्यों घो घूम रहा साला अबे भाई यार अभी जो मेरा हेयर स्टाइलिश बाल वाले सेट करके दाढ़ी बना गया ना अब वो पैसे मांग रहा है कॉल करके यार हमने पैसा ही नहीं दिया एक सेकंड भाई बताओ भाई फर्स्ट बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार कैप्टन कर सकते हैं क्या और भाई भाई कल तुम्हारी प्रेडिक्शंस की मदद से तीन हजार से तेरह हजार रुपये कर लिया थैंक यू भाई अरे तीन हज़ार तेरह हज़ार करें दस हज़ार का तुम्हारा फ़ायदा हुआ दस हज़ार का दस परसेंट दस परसेंट तो दे दो यार एक काम करता हूँ दस परसेंट दे दो जाके मंदिर में जाओ एक सौ एक रुपया चढ़ा के आओ किसी को कुछ खिला दो बेस्ट पार्ट है भाई आप कुछ अमाउंट विन करो ना तो कुछ जाके ना किसी के ऊपर कुछ खर्च कर दो मंदिर सामने बच्चे होते हैं खर्च कर दिया करो मैं ये नहीं कहता खर्च करोगे तो इतना मिलेगा ये मिलेगा ग्रैंड लीजिए ऐसा कुछ नहीं भाई खर्च करोगे ना तो अगर अगला मैच हार भी जाओगे ना दिल को सुकून मिलेगा अ भाई बताता हूँ बाकी मैं आपको भारी एफ एफ सेवेंटी मोरे जियो जियो सिनेमा में कैसे देखें देखें आपको बताऊंगा मैं बताता हूँ रुको फिलहाल बात करते हैं भाई की क्या पूछा था भाई ने अरे भी कोई एक सवाल आया था क्या आया था भुवनेश्वर कैप्टन।, कैप्टन यार हमारा नेट ही नहीं चल रहा यार इसकी ए सी गद्दारी कर वो गद्दारी कर वो तो भाई को छोड़ गद्दारी कर वो <laughs> तेरे बगैर तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा मैं तुझको अपनी गाँव में बसा के रखूंगा तू मान मेरी जान हाँ न, ओके ओके तो हाँ हैरी ब्रूक के बारे में यही मैं बोल रहा था कि आप लोगों ने पूछा नहीं बताता हूँ बाकी पहले बात करता हूँ भुवनेश्वर कुमार भुवनेश्वर कुमार ने भाई नंबर्स बहुत अच्छे हैं कोलकाता में और यहाँ पर पहले बॉलिंग करते हुए काफ़ी अच्छे विकेट्स भी लिए हैं जैसे कि मैंने आपको नंबर्स दिखाए तो आप बोल रहे हो कि कैप्टन कर सकते हैं क्या भाई कैप्टन मैं कहता हूँ ना करो क्योंकि प्रॉपर ऐसे देखा जाए बैटिंग पिच है एंड भुवनेश्वर कुमार के पास पेस नहीं है मोमेंट जो मिलेगा स्विंग मिलेगी उसी से बस चकमा दे सकते हैं कौन आएगा गुरबाज को आउट कर सकता है जगजीत सिंह तो खैर मेरे ख्याल से टुक टूक कर खेल लेगा अगर ओपन करेगा बाकी वेंकटेश अय्यर उसको भी आउट कर सकता है राणा खेल लेगा तो एक दो विकेट वो ले सकता है बट वो क्योंकि पहले का जो भुवनेश्वर कुमार था ना भाई वो अलग था पहले वाला भुवनेश्वर कुमार थोड़ा वो था कि मतलब तो यॉर्कर्स मारनी है विकेट विकेट, विकेट बॉल डालनी है पैर पे मारना है पैड पर मारना है बट अब जो भुवनेश्वर कुमार है स्टार्ट में जैसा मूवमेंट मिला एक आध विकेट लिया चला गया उसके बाद जब डेथ में आएगा विनय कोई डाल लें तो वो वाइड ओर कर डालता है और रन बचाने की कोशिश करता है तो वो मतलब खुद बचाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर विकेट मिलने के चांस कम होते हैं आपको यही चीज़ यही चीज़ आपको एक्सपर्ट बनाती है आप चीज़ चीज़ें देखोगे पता चलेगा वो वाइड य बहुत ज़्यादा ट्राई करता है तो वो विकेट टू विकेट बॉल करता ही नहीं है कि द, यू मिस आई हिट ऐसा कोई सीन ही नहीं है ना हिडेड वाले बॉल्स काफ़ी सही लगते हैं मुझे अभी जैसे उमरान मलिक है आ, ये इसको मतलब स्विंग नहीं कराएगा बट ये जो मतलब बाउंस इसको मिलेगा ना उससे चकमा दे सकता है पेस, बहुत तगड़ी आपको अरे यार ये चोटी खड़ी हो गई अब ठीक है ओके अंगूठा दिखा रहा है तो पेस जो है काफ़ी है उसके पास तो वो विकेट तो कभी भी चटका सकता है चाहे पहली इनिंग हो चाहे सेकेंड इनिंग हो बट भुवनेश्वर के बाद कैप्टन मत करो भाई क्योंकि वो स्टार्टिंग में एक ओर लेके गया उसको डिफेंसिव खेल लेंगे डेथ में क्या कर लोगे तुम तो बताओ कि डेथ में वो आके वो उसको खुद ही विकेट नहीं लेना भाई डेथ में तो पहले का भुवनेश्वर अलग था पहले का भुवनेश्वर वो था भाई कि वो बॉल डालता था ना रसेल गिर जाता था रसेल और ये पोलार्ड सब गिर जाते थे नीचे ठीक है तुम लोग को याद नहीं होगा जब क्रिस गेल ने मतलब तिरसठ बॉलों में एक रन की पारी खेली थी चन्ना स्वामी में पुणे वॉरियर्स इंडिया और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मैच था दो में मैं की मैं कीपैड वाले फ़ोन में स्कोर वावर चेक कर रहा था उस मैच में भुवनेश्वर कुमार ने सबकी पिटाई हुई थी दो सौ कुछ रन बने थे ठीक है और उस मैच में भुवनेश्वर कुमार ने चार ओवर में 20 रन दिए थे या फिर चार ओवर में 24 रन दिए थे उसकी बिल्कुल पिटाई नहीं हुई थी मुरली कार्तिक तो हाथ जोड़ने लगे थे क्रिस गेर से भाई बस भास्कर तो वो रन बचाने के लिए वो आजकल जाने लगा है तब भी फिर भी विकेट टेकर था नया नया था ना अरे बहुत अच्छी मेमोरी है मेरी भाई फर्स्ट टाइम ऑन योर चैनल प्रॉफिट ओह हेमंत पाटीदार ब्रोर ऑल द बेस्ट आई होप होपो इंग्लिश में हिंदी में आते ऑल द बेस्ट भाई साहब उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल के लिए लकी होंगे आज हम सब फिर से जीतेंगे बस भाई कुछ कुछ ही आना पिच क्या सी पिच के बारे में कुछ आया ओके आ रहा है अब तो बोलिए हाय लिट 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 मां कसम भाई आ, भाई क्यों भी वीडियो नहीं आई कि भाई क्यों वीडियो नहीं आई क्या मूड को पिच के बारे में पढ़ते हैं आ, ए, वेदर वे, वे इज अ लिटिल बिट मगी Uh, so the comfort levels of the players are going to be tested okay in terms of ground dimensions it's a 75 meter straight boundary but the square boundaries are shorter than shorter at 64 and 65 meter that means a lot of sixes says parma and uh, the pitch has taken uh, me by surprise last game against rcb it was all about the spinners so i thought we would uh, see a seven pitch with a lot of grass but this

ओके ओके सो भाई एक तरफ बाउंड्री तो चौहत्तर मीटर है सामने वाली लंबी है और जो स्क्वायर बाउंड्रीज है वो भाई साहब चौसठ मीटर पैंसठ मीटर है यहाँ पर आप शॉर्ट बॉल ना डालो ये इन्होंने बोला कि भाई राय दिए और ये तो ये राय दी है फिलहाल क्योंकि बाउंड्री तो शॉर्ट की काफ़ी छोटी है और जब और ये यह यहाँ पर ऐसा नहीं घास मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वो टंडी वैसे पिच हो घास हो ये वैसी पिछड़ी जैसी आर सी बी के सामने थी कि क्या रख ली तो यहाँ पर स्पिनर्स को उतना टर्न नहीं मिलेगा जितना लास्ट मैच में था सो so, यस yes, इसीलिए मैं बोल रहा था इसीलिए बोल रहा था साइड थॉट प्रोसेस ना यहीं पर चेंज हो जाती है तो यहाँ इतना टर्न नहीं मिलेगा जितना वहाँ पर जितना मेरा उस उस मैच में मिला था फिर भी देर आर सम स्पिनर्स जो कि विकेट टेकर से आपको रखने पड़ेंगे अब हम देखते हैं बस बार टॉस हो जाए लाइनअप आ जाए फिर हम टीम बनाते हैं एक बार लोगों को बुला लूं रिपीट कर दूँ। एक भाई पिच की हमने बात करी बहुत जबरदस्त चीजें पता पता चली आज की पिच के बारे में अभी पिच रिपोर्ट आई है फटाफट आ जाओ लाइव ऊपर क्लिक करो लाइव आओ और हम सब लोग बातें कर रहे हैं अभी पांच मिनट हैं टॉस के टॉस के तो इन पांच मिनट में हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग आपको ये क्या नाम है एक ग्रैंड लीग टीम बना के दिखा रहे हैं प्रेडिक्शन आप लोगों ने वीडियो में देखे लिए होंगे तो वो बार बार रिपीट करने कोई मतलब नहीं मैं ग्रैंड लीग टीम बनाता हूँ फटाफट आ जाओ और टॉस बॉय स्मॉल टीम बनाएंगे और ग्रैंड लीग के प्लेयर्स बताने जा रहा हूँ सात प्लेयर बताता हूँ जिनको आपको मतलब ट्राई करना ही करना है किसी भी हाल में तो प्लीज आइए फटाफट आइए ठीक है लाइव लिंक ऊपर है जल्दी आओ आओ ये किसकी कारण डाल हैं अपने फोन की चिल्ला रहा है मेरी जान यार ने नेट नेटिंग नहीं चल रहा यार क्यों क्यों है और भाई आप लोग भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो यार आप लोग भी टेलीग्राम ज्वाइन करो टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, है टेलीग्राम पर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो अनुराग द्विवेदी ठीक है दस लाख पैंतीस हज़ार के आसपास लोग जुड़े हैं और रोजाना इनको तीन से चार लाख रुपए का गिव अवे मिल, मिल, मिल रहा है रोजाना इनको मेरी फाइनल टीम मिल रही टॉस पे और रोजाना इनको सारे अपडेट्स मिल रहे हैं गिव अवे के विन, विनर्स मिल रहे हैं सब कुछ मिल रहा है आप भी प्लीज़ जाके ज्वाइन करो फैमिली को बड़ा करो यार है ना उस तरीके से फैमिली को रात में बड़ा करना शायदी के बाद बड़ा करना अगर ये वाली फैमिली को बड़ा भी कर सकते हो उसका हक है आपको तो जाओ बड़ा करो और कुछ और भी बड़ा कर लेना सही समय पर ठीक है चलो भाई जब आपने जब तीन सौ से तीन चार लाख करे थे तब तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होती थी भाई जब मैंने मतलब मैं प्रॉपर तरीके से फैंटेसी में आया था ना तो तीन सौ वाली मैंने ली खेली थी हजार रुपये जीते थे हजार रुपये पूरे चार नंबर में इन्वेस्टमेंट करी तैतीस सौ रुपये जीते तैतीस सौ से ग्यारह हजार जीता ग्यारह हजार से जीता मैं तैतीस हजार तैतीस हजार से मैं जीता एक और एक से फिर मैं तीन साढ़े तीन लाख में जीत गया था तो ये था मैं छः मैच लगातार आई पी जीता था दो में आ, तब वो भी टीम थी राजिंग पुणे सुपर जायंट्स थी याद होगा आपको उसका और मुंबई का फाइनल मैच हुआ था और स्टीव स्मिथ लास्ट में आउट हुआ था बुमराह और लास्ट और बुमराह ने डाला था बुमराह ने विकेट लिया था उसमें नहीं लास्ट में बुमराह नहीं डाला था बुमराह ने विकेट लिया था एक और पहले आई थिंक तो वो, वो उसमें मैं ग्रैंड ग्र, लीग में थर्ड रैंक में चला रहा था मेगा लीग में तब ग्रैंड लीग में प्राइस था पाँच लाख रुपये का तो नहीं पाँच नहीं दस लाख कुछ था तो मुझे तीन लाख मतलब मैं विन कर रहा था तीन लाख रुपये और तीन लाख विन कर रहा था और वो आउट हो गया आ, ये स्टीव स्मिथ अरे भाई दिमाग ख़राब हो गया मेरा भी सी था वो आउट हो गया उसके बाद फिर यार फिर क्या नीचे आ गए हम मगर तब मैं छः मैच लगातार स्मॉल जीता था छः मैच लगातार तो चार चार मेंबर खेलता क्या उसके बाद मैच ही नहीं थे और कोई मैच का ज्ञान नहीं था तो फिर मैंने विड्रॉ विड्रॉल चालू कर दिया आठ हजार रुपए का विड्रॉल किया था पहली बार भाई मैंग अग्रवाल का हरी ब्रू होता हूँ मैंग अग्रवाल में मुझे इतना सही नहीं लग रहा बट ये इस पिच पर हार्ड पिच है बैटिंग के लिए बढ़िया पिच है बॉल बैट में मस्त आएगी और इस पिच पर हैरी ब्रू कबल्ला बहुत तगड़ा चल सकता है हैरी ब्रू कव माशाल्लाह हो सकता है आज तो ग्रैंड लीग में मैं कहता हूँ दो तीन टीमें जरूर कैप्टन ट्राई करना एक ग्रैंड लीग टीम चलो बनाते हैं देखता हूँ टेलीग्राम पर मेरा मैसेज गया कि नहीं अरे यार एक तो साला नेट नेट की बड़ी कमी है है? ये वाला देखें चल जाए ये एयरटेल वालों को ना पकड़ के मारने वाला है नेटवर्क सर आप पैसा ले रहे हो दिया करो तो यहीं पटक के छोट देंगे हाँ चलो उन लोग को मैंने बुला लिया है ठीक है तुम लोग उन लोग को बुला लिया है मैंने आते ही होंगे वो लोग ठीक है आप फिलहाल जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और हम बात फिर करते हैं आज के ग्रैंडली की प्लेयर्स की तो अभी मैं टीम बनाता हूँ रुक जाओ रुक जाओ एक मिनट को टीम बनाता हूँ ग्रैंडली की रुक जाओ रुको रुको बस उस वो लोग सुन ले यार सुयाज शर्मा का बताओ भाई लेग ब्रेक बॉलर है और हैरी ब्रुक को काफ़ी मतलब लेग स्पिनर से काफ़ी प्रॉब्लम होती है लाइक चहल हो गया राहुल चहल हो गया रवि बिश्नोई हो गया आ, राशिद खान के सामने भी होगी आज सुयाज शर्मा है बट सुयाज शर्मा के अंदर मुझे वो क्वालिटी नज़र नहीं आई पता नहीं क्या है इतनी तारीफें हो रही हैं मुझे लगा ही नहीं कि उसके अंदर कुछ है बॉल में कुछ नहीं लगा भाई मुझे नॉर्मल वो तो बॉल डाल रहा है बस तो मुझ तो, मुझे, तो, मुझे तो लग रहा है और लग इस मेरे सामने भले तो इसमें भाई पिट जाएगा इससे अहमदाबादी गेमिंग ओ अहमदाबादी केम छो भाई सबको बोलो फोटो कंपलसरी कर दे प्लीज़ बहुत प्रॉब्लम होता है प्रॉफिट बनता ही नहीं है सेम टू सेम बंदे दो, दो बंदे मिल ही जाते हैं हर कॉन्टेस्ट में प्लीज़ इसका सल्यूशन निकालो यार देखो भाई त, आ, तुम लोग हाँ सही बता रहा हूँ मैं मैं कभी आप लोग को आधी अधूरी टीम दे के छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि मैं जिस टीम से खेलता हूँ मैं पूरी टीम लोगों को देता हूँ भाई हारो जीतो अपना अलग बात है लेकिन ईमानदारी मेरी पहचान है ठीक है तो मैं आपको हमेशा पूरी टीम दूंगा मैं आपको आधी अधूरी टीम दूंगा नहीं और जब मैं पूरी टीम दूंगा अब मान लो आप दो तीन लाख लोग मेरी टीम से खेल रहे हैं तो भाई रैंक रैंकलैस हो तो होगा तो प्लीज़ भाइयों मेरा जो टेलीग्राम चैनल का जो वो है ना लोगो फोटो मेरी लगी ऐसे वाली ही, ही।, ही। वो वाली फ़ोटो आप अपने सारे फैंटेसी प्लेटफॉर्म के डी पी में लगा लो ठीक है ताकि लोगों को पता चले अनुराग भाई के सब्सक्राइबर हैं और आपके सामने वो कॉन्टेस्ट ना ज्वाइन करें सब लोग वो चीज़ कर लो बाकी टॉस अपडेट हो चुका है कोलकाता नाइट राइडर्स द टॉस ऑपडेट टू बॉल फर्स्ट ओके अब देखने वाली बात ये होगी एंड बॉलिंग करते हैं या नहीं चलो अगर कोई सीन दिख रहा है वो कोई अगर दिख रहा है कि वो मतलब कोई सीन कि बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहा है रसल सर तो बताना ठीक है चलो एक काम करते हैं भाई एक ग्रैंड लीग की टीम बनाता हूँ मैं ठीक है आपको बताता हूँ कुछ ऐसे प्लेयर जो आपको ग्रैंडलिंग में रखने ही रखना है वैसे आज मैंने बनाई है ग्रैंड लीग टीम मैं बीस टीम बनाई लेकिन कॉन्टे ज्वाइन नहीं किया अभी तो भाई स्क्रीन शेयर कर दो भाई ब्रो रॉय ठाकुर यादव टीम सऊदी एंड सुयाज शर्मा हाउ दिस प्लेयर विल डू इन दिस पिच यू कैन स्पीक इन हिंदी ब्रो इट्स ओके ओके थैंक यू क्या फाइव थाउजेंड मिस्टर प्रगाशिस भाई प्लीज डू नॉट शेयर दिस मच फंड प्लीज आई डोंट नीड मनी फ्रॉम यू यू आर माई सब्सक्राइबर इट्स माइ जॉब इट्स माई नो इट्स इेस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्व यू टू गिव ऑलर आंसर्स टू यू डोंट गिव फोर थाउजेंड फाइव थाउजेंड थ्री थाउजेंड सुपर चैड एंड प्लीज डोंट गिवट इज थिंग डेट आई एम लविंग इट नो एम नॉट लविंग इट ओके सो प्लीज़ ये सब मत करो भाई मत करो मुझे अपने सब्सक्राइबर से पैसा नहीं लेना है इतना पैसा देने की कोई जरूरत नहीं मुझे प्लीज़ मत दो इसका आप इन्वेस्टमेंट करो खेलो फैंटसी खेलो यू प्ले फॉर विद दिस मनी विन बिग एंड डू समथिंग फॉर फॉर द नेडी वंस जिनको जरूरत है उनके लिए कुछ अच्छा करो मुझे मत करो मुझे जरूरत नहीं है सुपर चैट से प्लीज मजाक से हटके भाई बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मुझे इतना पैसा देने की जरूरत तो नहीं है साफ सीधी बात है मुझे नहीं चाहिए आपसे पैसा यार सुपर चैट्स कमाने नहीं आते हैं लाइव में हंड्रेड फिफ्टी रुपीज देना फिर यार उसके बाद हाँ तो भाई ग्रैंडली की टीम बात बात करते हैं ठीक है अब ग्रैंडली में देखो क्या आप बॉलिंग कर रही है हैदराबाद पहले बैटिंग कर रही है ठीक है ध्यान सुनना मैंने पछतावा के बाद में क्या यार पहले बॉलिंग कर रही है मान लो हैदराबाद पहले बैटिंग कर रही है ओके 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 एक सुंदर इज नॉट प्लेइंग अभिषेक शर्मा इज बैक बट एडम विल बॉल नाउ एडम माकरम ही इज द सेफेस्ट पिक एज कैप्टन ओके राणा टोल्ड डी विल कम ओके कि क्या की सेम टीम है नीतीश राणा ने बोला डी आएगी सेकेंडिंग में तभी उसने बॉलिंग का फैसला लिया है तो ठीक है

अविशेष शर्मा के बारे में मैंने बोला था लेकिन वीडियो में अगर वो ओपन करता है तो वो अच्छा खेल सकता है मैं काम करता हूँ मैं एक टीम बनाता हूँ मैंने ये सोचा कि भाई टॉप ऑर्डर इनका आउट हो गया ठीक है टॉप ऑर्डर में दो तीन विकेट इनके जल्दी गिर गई हैदराबाद की मिडिल ऑर्डर में कौन बैटिंग करेगा इनके लिए हैरी ब्रूक मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा पहले उसको लो फिर एडम माकरम मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा उसको लो ठीक है फिर नीचे क्या नाम है उसका ये हो गया उसके बाद ये हमारा प्लेयर कहाँ गया हेनरी क्लासन मिडल ऑर्डर में होगा क्लासन को ले लिया ये तीन हमने प्लेयर ले लिए ठीक है ये तीन हमने प्लेयर इनके लिए हैदराबाद के क्योंकि टॉप ऑर्डर में इनके कुछ विकेट गिरे हैं अभी ठीक है अब राहुल त्रिपाठी मयंक अग्रवाल इन लोगों में से कौन किसका किसका विकेट गिरा है वो आपको डिसाइड करना है तो ये तीन मैन ले लिए इनका मिडिल ऑर्डर है हैदराबाद का अब अगर टॉप ऑर्डर विकेट गिरेंगे हैदराबाद के तो कौन लेगा स्टार्टिंग में विकेट तो भाई साहब स्टार्टिंग में विकेट कौन लेगा स्टार्टिंग में विकेट लेगा ये उमेश यादव और कौन बॉल डालेगा स्टार्ट में ये तो डालेगा नहीं चक्रवर्ती नारायण कर सकता है ठाकुर ठाकुर डाल रहा है है ठीक ठाकुर को ले लिया और इनको ले लिया उमेश यादव को ले लिया ठीक है तो ये दो ले लिया डेथ में कराएगा। तो ये तीन हमने बॉलर ले लिया के, के। उमेश यादव स्टार्टिंग में इसको अच्छा खासा वो मिलेगा ये विकेट लेके आपको दे देगा और ये जो आपका फगूसन है डेथ में दे, दे देगा और ये भी स्टार्टिंग में मतलब वो कॉन्ट्रीब्यूशन अपना करेगा सरउ तीन हमने बॉलर ले लिया अब ये तीन बॉलरस ने मिलकर थोड़े इनके विकेट ले लिए स्टार्टिंग के अब नीतीश राणा ने बोला भाई यहाँ पर चेस करना आसान है चेस करना आसान है तो भाई इनके हमने टॉप ऑर्डर के प्लेयर लिए टॉप ऑर्डर में इनकी तरफ से कौन बैटिंग करेगा गुरबाज बैटिंग करेगा वैसे गुरबाज जल्दी आउट हो भी सकता है अगर क्लासिन को ये तो वैसे हम तो 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 ग्रैंडली खेलने तो हम ले लेते हैं ठीक है अरे ग्रैंडली में तो नहीं लेते हैं फिर ग्रैंडली में क्लासिन के साथ ही जाते हैं बाकी उनके टॉप ऑर्डर बैटिंग करें नीतीश राणा बैटिंग करेगा टॉप में और बैटिंग करेगा आपका वेंकटेश यह टॉप में बैटिंग करेगा ठीक है भाई तो ये हो गए और ये भाई तो ये दो दो प्लेयर हो गए जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे इनकी के क्या लिए हमने ये दोनों को रख लिया अब सुनील नारायण को क्यों नहीं रखा सुनील नारायण को इसलिए नहीं रखा क्योंकि फर्स्ट इनिंग में सुनील नारायण ने ज़्यादा विकेट नहीं लिए हैं कि क्या के लिए तो हम भाई के, -के सुनील नारायण को नहीं रखते हैं इनिंग बैटिंग बहुत लेट आएगी हम रसल को रखते हैं क्या पता रसल फिट हों और आज ये फर्स्ट इनिंग बॉलिंग डाल दे जिस दिन ये बॉलिंग करा देंगे डेथ डेथ में पहले बॉलिंग करते हुए ये बंदा विकेट लेके जाएगा तो इसको मैंने रख लिया अब सेकेंड इनिंग में उनकी तरफ से कौन विकेट लेगा उमरान मलिक मैंने बोला दोनों इनिंग में अच्छा है तो मैंने सेकेंड इनिंग के लिए मैंने इनको रख लिया उमरान मलिक को क्योंकि मिडल ओवर में आएंगे विकेट छिड़काएंगे और, और ये बाकी नटराजन का मेरा प्रडिक्शन था कि नटराजन भी इस आज की मैच में दोनों इनिंग में विकेट लेगा तो मैंने नटराजन को भी ले लिया तो ये भाई मेरे ग्यारह लोग की टीम होगी अब इसमें आपको करना पता क्या है अब जैसे मान लो ये मेरे ग्यारह लोग की टीम है अब इसमें किसी में आपको उमरान मलिक को हटा के राहुल त्रिपाठी तो को रखना है उमरान मलिक को हटा के मयंक अग्रवाल को रखना है किसी में नटराजन को हटा के मैं अग्रवाल रखना है किसी में नटराजन को हटा के राहुल त्रिपाठी तो रखना है ठीक है हैरी ब्रुक को हटा के किसी में आपको मयंक अग्रवाल रखना है हैरी ब्रू को हटा के किसी में आपको त्रिपाठी तो रखना है इस टीम का स्टीन ले लो एक आधे चेंजेस करते रहो ठीक है और एक और चीज़ है मैं कहता हूँ इसको हटाओ नटराजन को भी हटाओ मैंने आपको बोला था कि सेकेंड इनिंग में से मार्को यानसन काफ़ी अच्छी पिक होगा तो मार्को यानसन क्या आप रख लो मार्को यानसन क्योंकि वो भी होगा ना बैटिंग से भी आपको थोड़ा बहुत बैकअप देगा इसको ट्राई करो एक टीम में ये लो इस टीम का स्क्रिंग लो ग्राइंडिंग में लगा के देखो रिजल्ट कैसा आता है और आप चाहो तो रसेल को ड्रॉप भी कर सकते हो क्योंकि रसेल ने अगर बॉलिंग नहीं कराई पहले इनिंग में तो हो सकता है सेकेंड इनिंग में वेस्ट पिक हो तो आप चाहो तो रसेल की जगह पर एक टीम में आप गुरबाज को भी रख सकते हो ये भी कर सकते हो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन बनाने भाई ठीक है तो बस यही है यही स्मॉल ग्रैंड लीग मतलब ऐसे ही करते हैं सोचना पड़ता है अगर ये टीम का टॉप ऑर्डर चल रहा है तो उधर कौन विकेट लेगा मिडिल और मिडिल ऑर्डर में विकेट कौन लेगा मिडिल ओवर्स में और डेथ में कौन विकेट लेगा अगर इस टीम के टॉप ऑर्डर आउट हो रहा है तो कौन स्टार्टिंग बॉलिंग कर रहा था कौन, किसको विकेट मिलेंगे अब जैसे ये है इसमें कैप्टन में किसको इसमें मैं वाइस कैप्टन करूँगा भाई साहब लॉकी फागुसैन को कैप्टन करूँगा मैं माकरम को बात खत्म ठीक है माकरम सबसे सेफ चॉइस है तो ये है भाई ठीक है तो इस तरीके से भाई आपको ग्रैंडली की टीम बनाई जाती है इस तरीके से बनाया करो इस तरीके से सोचा करो लाइनअप भाई फिलहाल देख लेते हैं फिर हम बनाते हैं अपनी स्मॉली की टीम बनाते हैं ठीक है लाइनअप फिलहाल देख लेते हैं तो यहाँ पर गुरुबात जगजीसन ओपन करेंगे जगजीशन काफ़ी स्लो खेलता है और आपको टुक टू करके अच्छे खासे पॉइंट दे देगा यार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हैरी ब्रूक ही ओपन करेगा हाँ चेक करो जरा ऑफिशियल हैंडल चेक करो अगर हैरी ब्रूक ओपन करेगा वी वीकंड टी टीवी पर दिख जाएगा पहले हाँ पहले बैटिंग करो टीवी सब लोग टीवी पर देखना मैं भाई कल मेरा बर्थडे है एडवांस में विश कर दो मैं आपको बहुत बड़ा सपोर्ट सपोर्ट हूँ मुझे अच्छा लगेगा अगर आप विश करोगे मेरी जान इसमें कहने क्या बात है यार हैप्पी बर्थडे इन एडवांस मौज करो अगले एक साल में गांड फाड़ दो जमाने की खूब पैसा कमाओ खूब अच्छा सीखो बस ऑल द बेस्ट फॉर करियर मम्मी पापा का ख्याल रखना बस चलो कोलकाता और हाँ लाइनअप भाई मैं बताऊँ तो भाई जगदीशन ओपन करेगा फिर आएगा आपका नीतीश राणा अभी वेंकटेश अय्यर को आप नहीं देख रहे हो लाइनअप में बट वेंटेश अय्यर इज इन सबसे राइट है ना तो वेंकटेश अय्यर आपको सेकेंड इनिंग्स में आज वो दिख सकता है बैटिंग करते हुए और ये भी हो सकता है ओपन कर जाए ओपन भी कर सकता है कोई बड़ी बात नहीं है तीन नंबर पर ही ओपन भी करा सकते हैं उनका कोई वो नहीं है ठीक है और बाकी जगदीशन को भी आप ग्रैंडिंग में ट्राई कर सकते हो क्योंकि जगदीशन प्लेयर ऐसा टुक टुक करके भी आपको अच्छा खासा पॉइंट दे देगा तो मतलब जगदीशन मुझे तो लग रहा है हमें स्मॉल लीग में जगदीशन को ही लेना चाहिए क्या कहते हो अगर वो ओपन कन्फर्म कर रहा है ना तो जगदीशन इज़ मच बेटर देन गुरबाज क्योंकि गुरबाज हिट एंड मिस है बट जगदीशन टुक टुक करके अच्छे कैसे पॉइंट दे, दे देगा उसके बाद नीतीश राणा चार पे आएंगे ये और फिर पाँच पे आएंगे रिंकू सिंह छः पे रसेल सात पे सुनील नारायण आठ पे शुल ठाकुर ठीक है फिर उसके बाद फिर उमेश यादव लौकी फगूसैन तो ये ये होने वाली मतलब कि इनकी वो अब बात करें इनकी तो हरी ब्रुक अग्रवाल ओपन करेंगे तीन पे त्रिपाठी चार पे माकरम पाँच पे क्लासन छः पे अभिषेक शर्मा मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके नीचे करेंगे हरी ब्रुक को ओपन कराएंगे अभिषेक शर्मा से तो एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा वरना सब वायटी भरे पड़े हैं इनके पास उसके बाद माकन मैंग मारकंडे मैंग मारकंडे में बाहर भी हो सकते हैं मतलब ये सब इनके जगह पर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर किसी और को यूज़ किया जा सकता है अब्दुल समाज को यूज़ करेंगे क्या लगता है सुंदर को यूज़ कर सकते हैं वॉशिंगटन सुंदर को यूज़ कर सकते हैं इम्पैक्ट प्ले के तौर पर भुवनेश्वर कुमार तो भाई सही है और नटराजन सेकेंडिंग में अच्छा है बाकन सेकंडिंग में अच्छा है और उमरान मलिक सेकेंडिंग में अच्छा है ठीक है तो चलो टीम बनाते हैं भाई अब बहुत हो गया तो भाई एक मिनट एक बार रेडबुल पी लेता हूँ लोगों से बुलाता हूँ भाई एक मिनट स्क्रीन एक मिनट स्क्रीन हटाना जा रहा हाँ, स्क्रीन शेयर कर दो तो विकेट के भाई गुरुबाज के साथ जाऊंगा फिलहाल क्योंकि अगर पावर प्ले अगर वो टिक गया छत्तीस बॉलों में अगर वो बीस रन मार दिया बीस बॉल अगर खेल लिया आराम से पैंतीस चालीस मारेगा बट ग्रैंडलिंग में ड्रॉप करना है इसको बता रहा हूँ ग्रैंडलिंग में आप जाते हो तो आप क्लासिंग के साथ जाना अगर सारे इसका टॉप ऑर्डर आउट हो रहा है उस हिसाब से तो टीम बनाना नहीं तो जगदीसन के साथ जाना जगदीसन ओपन करता है तो बहुत सेफ़ प्लेयर है बहुत कम लोग ले रहे हैं ये टुक टुक करके पैंतीस चालीस बना गया तो आपको आराम से पचास पॉइंट दे देगा गुरबाज हिटन मीज मिस प्लेयर है चल गए तो चांद तक नहीं तो कहीं तक नहीं ठीक है तो वो चीज़ है बात करें बैटिंग सेक्शन में पहले ऑलराउंडर्स में आते हैं मैं ऑलराउंडर्स में भाई मैं पहले बॉलिंग करे कि यार तो ठाकुर को ड्रॉप नहीं कर सकता माकरम को मैं जरूर पिक करूंगा और सुनील नारायण यार पहली इनिंग में यार विकेट उतना लेते नहीं हैं और टर्न वन होगा नहीं मेरे ख्याल से हटाते हैं मैं सुनील नारायण को दोस्तों मैं नहीं ले रहा हूँ ठीक है अब डेथ में आके बॉलिंग कर जाए तो अपनी किस्मत अलग चीज़ है मगर फ़िलहाल ये मैं सुनील नारायण को मैं नहीं ले रहा हूँ टीम में मैं रसल को लेता हूँ जो कि जरूरत पड़ने पर बैटिंग में प्रमोट भी करे जा सकते हैं और हो सकता है डेथ में आज बॉलिंग कर दें ये भी हो सकता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता और उसके बाद अभी माफो एनसन छोड़ते हैं अभी देखते हैं और भी चीज़ें तो लौके फागूसन को मैं लूँगा फिलहाल स्मॉल लीग में मैं भाई इसको नहीं ले रहा हूँ उमेश यादव को मैं नहीं ले रहा हूँ मालूम है क्यों क्योंकि स्टार्ट में आज वो मुझे लग रहा है कि उमेश यादव है ना बहुत ज़्यादा एक ही विकेट लेगा फिलहाल उमेश यादव को तो और पिच पर घास नहीं है ना उस पर घास भी नहीं है समझ पड़ पढ़ा था तो उमेश यादव फ्लैट विकेट है बैटिंग के लिए बढ़िया है तो मैं उमेश यादव को फिलहाल नहीं ले रहा हूँ मैं लौकी फागूसन ले रहा जो कि डेथ में डालेगा आपको विकेट लेके दे सकता है उमरान मलिक सेकेंड इनिंग्स में आपको मिडल ओवर्स में अपना पेस यूज करेंगे विकेट लेके दे दे सकते हैं और सेकेंड इनिंग में उमरान मलिक बहुत बढ़िया पिक भी है बाकी नटराजन है मैं नटराजन को जरूर पिक करूँगा उसका रीज़न ये बताता हूँ अभी तक नटराजन ने अपनी काबिलियत जो जितना काबिल है वो चीज़ दिखी नहीं टूर्नामेंट में मगर भाई साहब ये बंदा बहुत तगड़ी और मार सकता है रसेल व ना सबको घिरा सकता है घुटनों के बल तो मैं नटराजन को मैं जरूर पिक करूँगा तो ये मेरे तीन वो हैं बॉलर्स हैं और ये तीन ऑलराउंडर्स हैं बात करके बैटर्स की तो जैसा कि मैं स्टार्टिंग में एक आध विकेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मैं मैंक अग्रवाल को अपनी टीम में नहीं रख रहा हूँ आप चाहो रख सकते हो मैं मैं ठीक है मैं नीतीश निती, राणा को लूँगा ठीक है विंग और अगर हैरी ब्रुक को ओपन करते हो तो मैं हैरी ब्रुक को लूँगा वरना मैं अभिषेक शर्मा को ले लूँगा दोनों में से जो भी ओपन करेगा मैं उसको ले ले लूँगा आराम से कोई दिक्कत नहीं है और राहुल त्रिपाठी लूंगा नितेश राणा लूंगा तीसरा जो मेरा बैट्समैन होगा वो या तो अभिषेक शर्मा होगा या तो हैरी ब्रूक होगा ठीक है और वेंकटेश अय्यर को भी हम ट्राई कर सकते हैं मगर वही बात है सब्सिट्यूट प्लेयर है जिनके अंदर दम है रिस्क लेने का ले लो मेरे ख्याल से या तो ओपन कर जाएगा या तो तीन नंबर पर बैटिंग करेगा सेकेंड इंड में आके मतलब आएगा ज़रूर ये तो कंफर्म है कि सेकेंड इंड में वेंकटेश अय्यर आएगा जरूर तो अगर आप चाहो तो वेंकटेश अय्यर को भी ट्राई कर सकते हो एक बार ये यहाँ से नजर मारें तो ये नौ, ये नौ प्लेयर तो फिलहाल कन्फर्म है हमारी टीम में और दसवां प्लेयर आप अभी अभिषेक शर्मा हैरी ब्रुक में से जो भी ओपन करेगा उसको रखूँगा और ग्यारहवा प्लेयर या तो वेंकटेश अय्यर को रख लूँगा या फिर आ, मैं एक काम करते हैं ना अभिषेक शर्मा ओपन नहीं करा तो फिर लेना बेकार है यार कुछ पता चला अभी तक अभी कोई सोच कुछ नहीं पता चला तुम लोग तुम लोगों को क्या लगता है कौन ओपन करेगा आ, मुझ आ, अगर एक सेकेंड फिलहाल मैं अभिषेक फिलहाल मैं हेरी ब्रूक को ले रहा हूँ ठीक है हैरी ब्रुक को फिलहाल ले रहा हूँ और मैं वेंकटेश अय्यर को भी वेंकटेशयर से अच्छा मैं को, को ट्राई करूँ सेकेंड इंडिंग्स में ये भी अच्छा है क्योंकि रसल की बैटिंग आएगी मुझे लग रहा है कि क्या के बैट्समैन ज्यादा चलने वाले हैं नहीं बैटिंग आएगी इनके हैदराबाद के बॉलर बहुत अच्छा करेंगे ये बता रहे हैं ना सेकेंडिंग में ड्यू आ जाएगी बैटिंग में आसान है मुझे लग नहीं रहा ऐसा होने वाला मुझे लग रहा है कि मैं बहुत तावड़ तोड़ होने वाला है और यहाँ पर हैदराबाद का चांस मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है तो मैंने ये अपनी टीम बनाई हुई है ठीक है तो ये मेरी टीम है भाई फिलहाल आप चाहो तो रिंकू सिंह को भी ले सकते हो अगर आपको एक प्लेयर एक प्लेयर लेना है तो आप रिंकू सिंह को भी ले सकते हो मतलब बैट्समैन में मुझे लग रहा है आराम से बैटिंग आएगी रिंकू सिंह की लेकिन स्मॉल मॉलिंग थोड़ा रिस्क होगा तो फिलहाल मैं ये टीम आपको सेव करके देता हूँ कैप्टन की बात करें मैं कैप्टन बनाऊंगा भाई अंडे माकरम को जो कि बॉलिंग कराने के बहुत ज्यादा चांस हो चुके हैं वाइस कैप्टन यार मन तो मेरा कर रहा है अगर हैरी ब्रू को ओपन करें मैं हैरी ब्रू को कर दू सच बता रहा हूँ मैं बहुत मन कर रहा है बट वाइस कैप्टन हम अंडे रसेल के साथ जाते हैं रसेल साहब जाए लेकिन वही बात है बॉलिंग करे ना करे हमने मैं लौकी फागूसन को वैसी बीसी करूंगा पिट जाएगा तो तो भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और अगर ले गया तो तीन चार विकेट लेके जा सकता है बट इसने आज ही के दिन तीन विकेट लिए थे वैसे गुजरात के लिए बॉलिंग करता था एक साल पहले बट वो सेकेंड इनिंग में लिए थे और लॉकी फूसैन उमरान मलिक ये लोग ये लोग है ना अलोसेफ़ ये लोग सेकेंड इनिंग में ज़्यादा जा, जा, विकेट लेते हैं ठीक है ये भी कह सकते हैं कि राहुल त्रिपाठी को वाइज के ट्रप कर सकते हो ठीक है तो फिलहाल मैं भाई ये टीम आप ये टीम मेरी सेव कर लो स्क्रीन आप देखो और ये टीम मेरी आप लोग सेव करो तुरंत के तुरंत एक तो मेरा ये नेट ही नहीं चलता साला ये ये टीम का स्क्रीन लो पहले भाइयों ये वाली टीम सेव करो और उसके बाद उसके बाद प्लीज ध्यान से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो क्योंकि उसके बाद टेलीग्राम पर आपको दोस्तों फाइनल टीम मिल जाएगी तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो यहाँ पर दस लाख पैंतीस हजार से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है फाइनल टीम टॉस के बाद मैं आपको देता हूँ टॉस के बाद टॉस तो मतलब हो ही चुका है मतलब टॉस के बाद यहाँ पर रोज मैं आपको फाइनल टीम देता हूँ और ढेर सारे घूवेज आपको रोज़ मिलते हैं तुरंत जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करो ठीक है तुरंत तुरंत और मैं आपको वहाँ पर अभी लास्ट के, और एक्टिव रहना हो सकता है मैं लास्ट के पाँच मिनट में कोई चेंज करूँ तो प्लीज़ टेलीग्राम पर एक्टिव रहना ठीक है जाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया तो और सब्सक्राइब क्योंकि सब्सक्राइब कर लोगे तो फिर आपको रेगुलर विनिंग देखने को मिलेगी ठीक है तो करो सब्सक्राइब और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लाइव सेशन में नेक्स्ट वीडियो में फटाफट जाओ और जियो सिनेमा पर मैं आप, मैं आपको दिखूंगा कल से जियो सिनेमा परसों पर से संडे से मैं आपको लाइव दिखूंगा जियो सिनेमा पर फैंटेसी वीडियो में कैसे करना है टेलीग्राम पर बता दूंगा ठीक है चलो विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच बाय चलो और टेलीग्राम पर मिलते हैं फॉलो माई टेलीग्राम चैनल एज ओके जाओ चलो भाई बंद करो yeah, it's your boy, Yeah, I'm sippin' on some Hennessy. Cruisin' down all day, I want my juicy. Spin a couple racks on some-